जैसी करनी वैसी भरनी, आई वॉन्ट अमांडा सरनी। तो कैसे हो आप लोग, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट, मैं आ गया हूँ एक न्यू वीडियो के साथ। सो वेलकम टू माई न्यू चैनल स्काई 360। सो आज का पहला स्टोरी शुरू करते हैं। आज का पहला स्टोरी है भुवन वाम की तरफ से, तो देखिए। लास्ट नाइट फैन फेस्ट वाज वन ऑफ द बेस्ट थिंग्स दैट हैपेंड टू मी इन द लास्ट टू इयर्स। इतना मजा आया। थैंक यू सो मच जो लोग जियो गार्डन्स आए थे कल, थैंक यू सो मच। आपने तो धूप में वेट किया, थैंक यू सो मच। आपने अपने फेवरेट क्रिएटर्स का इतना इंतजार किया, थैंक यू सो मच। आपने उनके लिए इतना लाउड चीयर किया। जो लोग वो ये लाइव स्ट्रीम यूट्यूब पे देख रहे थे उनको लग रहा था कि क्राउड डल है, ये है वो है, लेकिन नहीं, हम लोग स्टेज पे थे, हमें पता है कितना शोर। अक्सर ऐसा होता है लाइव स्ट्रीम में वॉल्यूम कम की जाती है ऑडियंस की, ताकि क्रिएटर का सुनाई दे जाए माइक, बट जो वहाँ था जितने भी 10-12 हज़ार लोग। सो हमारा नेक्स्ट स्टोरी है आशीष चंचलानी की तरफ से। तो आशीष चंचलानी ने जो फैनफेस्ट में परफॉर्मेंस किया है उसका छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ आपको। जैसी करनी वैसी भरनी, आई वांट अमांडा सरनी। यूट्यूब पाला की लॉन्डो की शक्लें देखो। गाइज आपको ये अगर फुल वीडियो देखना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, वहां पर जाके आप फुल वीडियो देख सकते हैं। चलो गाइज नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है भुवन बाम की तरफ से। जब भुवन बाम फैन फेस्ट में एंट्री हुए थे तब क्राउड का क्या रिएक्शन था वो आप लोग देखिए। चलो गाइज नेक्स्ट स्टोरी के बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट स्टोरी है आशीष चंचलानी के बारे में। तो इस अप्रैल में आशीष चंचलानी कुछ सरप्राइज रिवील करने वाले हैं, तो चलो देखते हैं। मैंने कहा था ना अप्रैल बहुत ही धमाकेदार होने वाला है, तो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ मेरा अप्रैल धमाकेदार क्यों होने वाला है। Because how beautiful is this? I'm getting goosebumps by just seeing this poster. My God, oh my God, I love this. So guys, आशीष चंचलानी का ये सरप्राइज था, और मैं भी बहुत बड़ा फैन हूँ एवेंजर्स का, मार्वल्स का। सो आज आशीष चंचलानी अपने स्टोरी में कुछ बोले, तो चलिए आइए वो देख लेते हैं। मैं मेन चीज बताना भूल गया, इसको सरप्राइज रखना था, लेकिन अभी सरप्राइज रहा नहीं। आज इवेंट हो रहा है मार्वल का, और जो रूसो इज कमिंग, इन्फिनिटी वॉर के डायरेक्टर इंडिया आए हुए, एंड आई एम आल्सो कमिंग एट द इवेंट। चलो गाइस हमारा नेक्स्ट स्टोरी है आशीष चंचलानी अमित भानो को क्या बोले, चलो आइए देखते हैं। मैं चाहूंगा अमित को अमित बताना। मैं अमित से फर्स्ट टाइम मिला फैन फेस्ट पे, मैं सच बता रहा हूँ, मतलब उससे मिलके मुझे इतनी खुशी हुई। ही सो डाउन टू अर्थ एंड हम्बल, आई कांट इवन टेल यू। चलो गाइस हमारा नेक्स्ट स्टोरी शुरू करते हैं कैरेमिनाटी के बारे में। हमारा नेक्स्ट स्टोरी, सो कैरेमिनाटी फैन फेस्ट में नहीं आए, तो आशीष चंचलानी कैरेमिनाटी को क्या बोले, चलो आइए देखते हैं। मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना क्या आ रहा है कैरेमिनाटी का। मुझे तो लगता है कैरेमिनाटी का गाना आने वाला है, सो आपका ओपिनियन क्या है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। हमारा नेक्स्ट स्टोरी है हर्ष बेनीवाल के बारे में, तो आइए देखते हैं। हर्ष बेनीवाल, जेब में रखा कैश है बट फैन फेस्ट पे ऐश नहीं है तुम्हारे बिना, क्राउड ने तुमको भी बहुत मिस किया, आई होप हम सब एक साथ। हर्ष बेनीवाल ने रिप्लाई करते हुए बताया दिल्ली में धूम मचाएंगे, तो देखते हैं दिल्ली का फैन फेस्ट कैसा होता है। ऑल्सो गाइज दिल्ली के फैन फेस्ट में कौन कौन जा रहा है ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। चलो गाइज हमारा नेक्स्ट स्टोरी है रियल शीट के बारे में। आज शायद रियल शीट का नया वीडियो आ जाएगा, चलो देखते हैं। मैं वीडियो की बात करने वाला हूँ गाइस, आज हम अपलोड करने वाले थे, आज नहीं हो पाई है। हमने अनाउंस नहीं किया था कि आज वीडियो आएगी, बट हम एनीवेज करने ही वाले थे, लेकिन एडिटिंग में एक इशू के चलते हम नहीं कर पाए, एंड वो इशू कल तक 99% रिजॉल्व हो जाएगा तो हम लोग डाल देंगे, बट 1% चांस है कि ना हो पाए, लेकिन 99% चांस है कि डल जाए। सो गाइज 99% चांस है आज वीडियो आ जाएगा, और इस वीडियो में भी एक सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ है विद्युत जामवाल। सो इस वीडियो में विद्युत जामवाल भी होंगे, तो देखते हैं कैसा लगता है वीडियो। तो गाइज आज के लिए इतना ही, तो
तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और गाइज नया चैनल है प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।